हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 30 अगस्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1569 ईस्वी में आज ही के दिन महान सम्राट अकबर के बेटे और मुगल वंश के शासक जहांगीर का जन्म हुआ था। सन 1659 ईस्वी में आज ही के दिन शाहजहां के तख्त पर कब्जे के लिए उनके पुत्र औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को फांसी पर चढ़ा दिया था। सन 1682 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश धर्म सुधारक विलियम पेन को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था। वह अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने पेनिसिल्वानिया की स्थापना की थी जिससे कि लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अपना इजहार कर सकें। सन 1806 ईस्वी में आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार प्रकाशित हुआ था। सन 1836 ईस्वी में आज ही के दिन मेलबर्न शहर की स्थापना की गई थी। सन 1888 ईस्वी में आज ही के दिन क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त का जन्म हुआ था। यह भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। सन 1903 ईस्वी में आज ही के दिन चित्रलेखा जैसे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। वह हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार थे। सन 1928 ईस्वी में आज ही के दिन राज बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की थी। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। सन 1947 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इसे प्रारूप समिति कहते हैं। सन 1952 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओस्वर्न स्मिथ का निधन हुआ था। सन 1976 ईस्वी में आज ही के दिन अच्छे कथाकार कहानीकार के अलावा एक बेहतर अभिनेता जीपी श्रीवास्तव का निधन हुआ था। सन 1984 ईस्वी में आज ही के दिन अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली उड़ान भरी थी। सन 2014 ईस्वी में आज ही के दिन देश के प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का निधन हुआ था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन निशानेबाज अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष पर अपनी जगह बनाई थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। 23 वर्षीय सुमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता था। योगेश ने 44.38 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच वासु परांजपे का निधन हुआ था। उन्हें सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता था। इन्होंने सुनील गावस्कर को सनी उपनाम दिया था। आज इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस डे है। संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिवस को 30 अगस्त को आयोजित करता है। गिरफ्तारी, हिरासत और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लागू या अनैच्छिक व्यक्तियों के गायब होने में वृद्धि के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 2011 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। आज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे भी है। भारत में यह दिवस 30 अगस्त को आयोजित किया जाता है। यह दिवस छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।